गाइस मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो आई 71 के गेम मोड को लेके। जी हां दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि गेम मोड के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं पहले बात कर लेता हूं गेम मोड के। तो गेम मोड में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप गेम खेल रहे हैं तभी अगर किसी का कॉल आ जाए, सपोज मैं पबजी खेल रहा हूँ अभी, अगर किसी का कॉल आ गया तो मैं बहुत ही इरीटेड हो जाता हूँ दोस्तों। मेरा पर्सनली जो है फीलिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर क्लास ऑफ क्लैन सीओसी खेल रहा हूँ, कोई आके मैं फ़ोन करता है तो सचमुच इरीटेड हो जाता हूँ दोस्तों। तो गेम मोड एक ऐसा फीचर से जहाँ पर आप अपनी इनकमिंग कॉल्स को रोक सकते हैं, जैसे आप इरीटेड ना हो। तो उसके लिए आपको जो करना होगा दोस्तों, नीचे से स्लाइड करो, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल जाएगा गेम मोड जो मेरा ऑलरेडी वन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता रहूँगा। यहाँ पर देखो गेम मोड ओपन हो गया जो है इनेबल। गेम मोड में आखिर क्या होता है दोस्तों, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो सावे स्तर पर एक ही गेम में मैं गेम मोड करके रखा हूँ, और भी गेम को मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐड में जाके मैं सॉफ्टवेयर को भी गेम मोड में रख सकता हूँ कि जब भी मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तब गेम मोड का काम करे। तो ऐसा गेम मोड में आखिर क्या करता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो सावे स्तर पर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, तो जब तक मैं सावे स्तर पर खेलूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड कॉल से वो जो कॉल है वो नॉर्मली रिसीव होगा, इनेबल रखा गया है। अगर मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो ऑटो रिजेक्ट कॉल, यहाँ पर देखो ऑल इनकमिंग कॉल्स नॉट टू अलाउ सेम कॉल्स, यहाँ पर नॉर्मली जो इनेबल है इसको अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो कोई कॉल जो है वो आता रहेगा, कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ दोस्तों, तो जो कॉल आएंगे वो कॉल नॉर्मली ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो अलाउ सम कॉल्स, यहाँ पर मैं सारे कॉल्स को अलाउ नहीं करूँगा, कुछ कॉल्स को, ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर अगर जो इनेबल है मेरा कि कोई भी अगर मुझे कॉल करता है तो सारे कॉल जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जाकर मैं पार्टिकुलर कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कस्टम में जाके मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर रिन्यूअल कर सकता हूँ ऑल कॉन्टैक्ट्स या फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो जिन सभी कॉन्टैक्ट्स से मैं ज़्यादा इरीटेड होता हूँ उसको फेवरेट पर डाल देता देना चाहिए, और फिर फेवरेट को सिलेक्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, आप जब भी इसको इनेबल रखोगे कोई अगर गेम खेलने टाइम कोई कॉल करता है तो ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो डिसेबल ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन, इसको अगर इनेबल कर देता हूँ तो अगर मैं गेम खेलता हूँ तो उस टाइम जो है वाईफाई ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है, शायद आप लोगों ने फॉलो किया होगा कि कुछ ऑफलाइन गेम है जो ऑफलाइन खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर वो गेम खेलने टाइम अगर नेट या फिर वाईफाई वगैरह ऑन रहता है तो बहुत ज़्यादा एड्स आने लगता है दोस्तों। तो अगर मैं इसको ऑन करके रखूँगा तो उससे क्या होगा, जब भी मैं उस गेम को ऑन करूँगा तो वो जो वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मतलब एड्स है वो एड्स मुझे शो नहीं होंगे। हालांकि अगर मैं क्लास ऑफ क्लैन खेलता हूँ तब मुझे तो इसको डिसेबल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर नेटिव ऑन नहीं होगा तो गेम कैसे चलेगा। ऐसा है तो कुछ कुछ गेम के लिए भी काम करता है गेम पिक्चर इन पिक्चर मोड। यहाँ पर जो है आप गेम खेलने के टाइम कुछ और कम भी कर सकते हो दोस्तों, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि दो गेम एक गेम खेल रहा हूँ, सबसे किसने मैसेज किया, तो मैं यहाँ पर उसको स्लाइड करके दूसरा काम कर सकता। अगर मैं इसको डिसेबल रखूँगा तो वो काम नहीं करेगा, तो इसका मैं इनेबल रख दिया। तो ऐसा आप देख सकते हो इनेबल रखने के बाद मैं नॉर्मली दो दो काम एक साथ कर सकूँगा, ऐसे मैंने इनेबल रख दिया गेम मोड को। अब मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या हो सकता है गेम मोड में। यहाँ पर देखो मैं गेम ऑन कर रहा हूँ, ओके कर दिया, नीचे से गया, मल्टीपल टास्क पे चला गया, फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप को सिलेक्ट करो, यहाँ पर आप व्हाट्सएप को देख सकते हो कि हाँ ये वाला है, ऐसा ही आप काम कर सकते हैं एक साथ। तो ऐसे जो है मैं यहाँ पर गेम खेलूँगा, यहाँ पर काम करूँगा, तो एक साथ दो दो काम कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों ये था गेम मोड जिसके ऊपर मैंने आपको अपना राय बता दिया, जो जैसे जो जो काम होता है मुझे जैसा लगता है गेम मोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी मिला है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी टच कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान।